for Swapnapati. Who she is, a budding actress. She is someone who has worked in many films and she's trying to make it big in Hollywood. So congratulations to her. May she rise, may she get all that she wants and may she be successful. All the best to you and congratulations for being here. And I would also like to invite on stage Mr. Puneet, the director. Can you please come here, sir? And thank you so much for gracing this event. Thank you so much. Yes, he is. Thank you so much for gracing the event. Hi. All right, ladies and gentlemen. So this is the list. Well, we have a lot of celebrities here. Media, aapko footage ki kami nahi milegi kyunki itne celebrities hain yahan pe. Har banda apne aap mein celebrity hai. So now we are going to start this auspicious launch of film Flyking Academy with lab lighting ceremony. Hindustan, Bharat ki ye sabhyata hai ki kuch bhi shuru karne se pehle hamare yahan aradhana hoti hai, puja hoti hai, lab lighting ceremony hoti hai. So I would request the famous actress Mishti, Chakraborty, the comedian Sir Mr. Sunil, the actor Mr. Vijay, and Lokesh to please come and please do the lighting ceremony for us. And the dean of the college, Mr. Amesh Shankar Pani, he is also present here. We have a class today. Please be joining all the celebrities and lighting ceremony. मेरे को हंसने लगे, बोले तेरे को बहुत डिफिकल्ट कर,
मेहनत करना पड़ेगा एंड तू मेहनत कर, अगर तेरे अंदर हौसला है तो एक दिन ना एक दिन सक्सेस होगा। उस दिन के बाद मैं प्रॉमिस कर लिया था मैं एक साल दूंगा, उसके बाद लोगों के पास जाऊंगा। बट उसके बाद मैं कैसे क्या एक एक सीढ़ी क्रॉस किया, बोले जाए तो बहुत टाइम होगा, बट मैं दो साल के बाद एक पिक्चर में ज्वाइन किया आज ए रनर के हिसाब से, मिस्टर सुजीत कुमार जो चैंपियन फिल्म बनाए थे उसके मैं रनर में काम करना चालू किया था। वो दो महीने के बाद मैं पूरा ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे प्रोडक्शन होती है, मेरे को प्रोडक्शन मालूम नहीं था क्या है, बट वहाँ पे देखने के बाद मेरे को सबसे बेस्ट काम लगा था कि प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट में तुरंत घुस सकता हूँ, वहाँ काम कर सकता हूँ। एंड तब से 18 साल हो गया आज, मैं इस बीच में 6 महीने के पहले अभी ये दिमाग में क्यों आया कि मैंने सोचा बहुत इसके बारे में रिसर्च किया कि प्रोडक्शन के करके कोई एजुकेशन नहीं है, डायरेक्शन एजुकेशन है, एडिटिंग एजुकेशन है, एवरी मतलब राइटर भी एजुकेशन है एकेडमी है, बट जैसे एनएसडी है, एक्टिंग है, सब है, एफटीआई है, एसआरए सब जगह में है, बट मैंने ये सोचा कि प्रोडक्शन का क्यों नहीं है। एंड मैं जब भी प्रोडक्शन करते गए, मैंने सोचा 2 साल 3 साल 4 साल मतलब जब करते गया एक पॉलिश बना, मतलब धीरे धीरे पॉलिश हुआ। फिर मैंने ये सोचा अभी जस्ट मेरे कम से कम अभी एक खुशी की बात है, मैंने मेरे कंपनी को फ्लाइकिंग एंटरटेनमेंट है जो ओनली लाइव प्रोड्यूसिंग सर्विस है, उनका काम हम लोग खाली लाइव प्रोड्यूसिंग करते हैं। मेरा अभी मेरे अंडर से एक खुशी की बात है 80 स्टूडेंट आज लाइव प्रोड्यूसिंग काम कर रहे हैं। अभी मेरे 80-90 स्टूडेंट है, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैंने ये सोचा प्रॉपर हम लोग काम करते करते सीखे। मैं बोल रहा हूँ जो मैं उड़ीसा से हूँ, जो भी बिहार से कोई वहाँ से मतलब जितना बिहार से यूपी से पंजाब से जो रूरल मैं बहुत रूरल मतलब भुवनेश्वर से मेरा घर 100 किलोमीटर दूर है, जब भी मैं 10 से आया लाइट नहीं था, सिर्फ आज भी बहुत ऐसे जगह है मतलब लाइट नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, बहुत सब है, बट वो बंदे के लिए मैंने सोचा मैं गांव का बंदा है, मैं ऐसे काम करके दिखाऊंगा मेरे गांव वाले के लिए, मैं अदर इंडिया के गांव वाले के लिए करके दिखाऊंगा। जो फिल्म लाइन के सब मैक्सिमम 70% लोग सोचते मैं एक्टर बनने आ रहा हूँ, बट यहाँ पे काम करते करते एक्टर की तो दूर की बात, कोई स्पॉट बॉय बन जाता है, कोई दुनिया भर की चीजें बन जाता है। बट मेरा ये उम्मीद है जो 5 साल स्ट्रगल करते जो यहाँ पे आके स्टार्टिंग करते करते दिशा नहीं मिलता है, रास्ता नहीं मिलता है, जो माँ बाप का मतलब स्टेमिना नहीं होता है बच्चे लोग को 2 पैसा देने के लिए, बट ये मेरा जो एकेडमी है इसके लिए मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि उन लोग को 6 महीने कोर्स कराऊंगा जो सपना लेके आए उन्होंने इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए। एंड वर्ल्ड में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, एकेडमी नहीं है जो 1 महीने के अंदर वही मिस्टर सुनील पाल जैसे विजय सर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के साथ जाके काम करेंगे। ये इंस्टीट्यूट सिर्फ ऐसे ही 1 महीने के अंदर ऐसे शिक्षा देगा, इंटर्नशिप कराएगा। एंड मैं खाली सबके सामने बोलता हूँ उनका कोर्सेज का फॉर्मेट कैसा है, एक प्रोडक्शन असिस्टेंट मैनेजर, एक मैनेजर, एक कंट्रोलर, एक लाइन प्रोड्यूसर, एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर। आप देखिए हर जगह में प्रैक्टिकल होती है बट क्लास के अंदर होती है, बट फ्लाइकिंग एकेडमी एक डिफरेंट ऐसा है कि उन्होंने क्लास के अंदर 6 महीना सिखाएंगे, बट आफ्टर 1 मंथ वो बंदा जाके 1 महीने के बाद वो जाके डायरेक्ट ऑन लोकेशन जाएगा। ऑन लोकेशन जाके उन्होंने जैसे आर्ट क्या होता है, कैमरा क्या होता है, जो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर सिखाया जाएगा वो जाके डायरेक्टली ऑन लोकेशन सीखेगा। जब आप सोचिए कैमरा पे यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोडक्शन के लोग हैं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 70-80% प्रोडक्शन मैनेजर लोग को कोई भी मेरे सामने खड़े होकर बोलिए, उनको बोलिए कैमरा के लेंस कितना टाइप है, कैमरा कितने टाइप है, कोई नहीं बोल सकते, मैं दावा के साथ बोलता हूँ। एंड सेम थिंग लाइट का 10 नाम बोलिए, कोई नहीं बोल पाएंगे 10 लाइट का नाम, बट ये एकेडमी उनको बाकायदा थ्योरिकल सिखाएगा ये लाइट है, ये कैमरा है, आर्ट का कितने डिपार्टमेंट है किसी को कुछ पता नहीं, एवरीथिंग। बड़े बड़े प्रोड्यूसर है उन लोग ध्यान नहीं देते, डिपेंड करते लाइन प्रोड्यूसर के ऊपर, एंड मैक्सिमम लाइन प्रोड्यूसर ये चीज़ में नहीं, आपको जब डिटेल कोई चीज़ में मालूम नहीं है तो आप कैसे बजट बनाएंगे।
तो सेम थिंग बंदे जाके आर्ट में भी जाके काम करेंगे, कैसे खिला, कैसे तरा पाए, कैसे फल लिए, कैसा है, तो एवरीथिंग ए टू जेड उन लोगों को नॉलेज मिलेगा। एंड इसका भी कोर्स भी बिल्कुल मैंने आज एक स्टार्टिंग जैसे किया था सेम एकदम बहुत मिनिमम बजट भी रखा है, तो इसीलिए मैं सारे इंडिया का जितने भी बंदे फिल्म प्रेमी हैं सबको स्वागत करता हूँ, प्लीज कम टू द फ्लाइकिंग एकेडमी। एंड 6 महीने के अंदर जो बंदे में हिम्मत नहीं है 15,000 कमाने के लिए, इट इज माई गारंटी 30 से 35,000 आफ्टर 6 मंथ दे आर कम, मतलब वो कमा के। विदेशी फिल्म करते हुए मैंने ये रियलाइज किया कि हम प्रोडक्शन के मामले में बाबा आदम जमाने में, वो टेक्निक और सिस्टम हमारे हिंदुस्तान में अभी आई नहीं है और जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी बहुत खराब हो गई। ये एक ऐसा टॉपिक है मैं जो 20 साल से सिखा रहा हूँ सबको, ये कुछ सीखना ही नहीं चाहता, प्रोडक्शन पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को लगता है कि भाई ये क्रिएटिव नहीं है, वो डायरेक्शन क्रिएटिव है या कैमरा का है। एंड द फैक्ट इज that this is the backbone of filmmaking. जहाँ production department strong रहता है वहाँ director आराम से काम कर सकते हैं, वहाँ film अच्छी बन जाती है। तो बड़ा passionate था मैं इस production के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी ज़रूरत है हिंदुस्तान को, हमारे यहाँ सब कुछ है, पैसा है, आर्टिस्ट है, इक्विपमेंट है, सब कुछ है, बट बेसिकली आई एम सॉरी टू से वी लैक इन गुड प्रोड्यूसर्स। और प्रोडक्शन की टीम भी हमारी कौन सी होती है, जो एज एन एक्टर फेल हो गया, जो एज ए डायरेक्टर फेल हो गया, जो एज ए कैमरामैन फेल हो गया, सब प्रोडक्शन में आ जाते हैं। और प्रोडक्शन का डेफिनेशन ये होता है कि पैसे कमाओ, पैसे बचाओ, कमीशन कमाओ, वही है, वो खाने वालों को बुलाओ, ये सब वो नहीं है। कितने प्रोडक्शन वाले जो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हम तो चाहते हैं कि ऐसे प्रोडक्शन वाले बनाएं जो प्रोड्यूसर ओके ऐसे प्रोडक्शन वाले बनाए कि जो डायरेक्टर को मैनेज कर सके, ऐसे मैनेजमेंट हो सके, जो ऐसे मैंने बनाए कि जो प्रोड्यूसर को मैनेज कर सके। तो जब मैं दिलीप जी से मिला तो मैंने देखा यार एक आदमी और मुझे मिला, एक तो उड़िया आदमी, ऊपर से इतना पैशनेट प्रोडक्शन के बारे में, तो मैंने कहा क्यों ना इनके साथ हाथ मिलाया जाए और हम लोग इंस्टीट्यूट ऐसा खोलें कि जिसके अंदर जिसकी बहुत ज़रूरत है हिंदुस्तान में कि पढ़े लिखे कंप्यूटर का ज्ञान जानने वाले और एक बड़े अच्छे ऑलराउंडर हो, उस तरह के प्रोडक्शन वाले हम लोग करें। खाली मैं एक चीज़ बताऊं कि इसमें जितने भी मैं 20 साल से इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, सारे में जीमा में गया मैं, विशनिंग बोर्ड और उसके बाद डिजिटल अकेडमी, सब इंस्टीट्यूट में, फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा है। बेसिकली सब फिल्म स्कूल्स का यही है कि फिल्म स्कूल चलाते हैं वो लोग जिनका फिल्मों से कोई लेना देना है ही नहीं, वो बिजनेसमैन है। यहाँ कम से कम एक आदमी है जो कम से कम महीने में मेरे ख्याल से 25-30 एड फिल्में बनाता है,
उनकी लाइव प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो पहली बार एक ऐसा इंस्टीट्यूट खुल रहा है जिस विच इज बीइंग रन बाय विच विल बी मैनेज बाय पीपल हु आर इन प्रोडक्शन लाइन हु आर डूइंग वेरी वेल एज प्रोडक्शन हु आर सक्सेसफुल प्रोडक्शन पीपल। और ये हम लोग आपको गारंटी देकर कह रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूट में जो कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता हम लोग आपको प्लेसमेंट आपको श्योर आपको प्लेसमेंट मिलेगी और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करेंगे उसके साथ साथ यस लॉजिंग बोर्डिंग का भी अरेंजमेंट हमारा है वी विल ऑल्सो ऑर्गेनाइज दैट। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आई डोंट सी एनी रीजन कि व्हाई दिस इंस्टीट्यूट विल नॉट डू वेल क्योंकि आज जगह खाली है आज ये जो एरिया है प्रोडक्शन वालों का यहाँ बहुत बहुत ये बहुत खाली जगह यहाँ अच्छे लोगों की जरूरत है पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है जानकारी लोगों की जरूरत है। सो आई एम श्योर विल डू वेल। पहले तो इनको मैंने इनको बोला देखो भैया फिल्म स्कूल बड़ा बदनाम धंधा है तुम्हारी नियत मुझे बताओ। कहता सर मुझे पैसे नहीं कमाने मुझे सच्ची मुच्ची की नॉलेज देनी है। सो दिस इज व्हाट इम्प्रेस मी कि भैया कम से कम इस आदमी की नियत अच्छा है नियत अच्छी है और जिसमें हम लोग जो प्रोडक्शन के नए स्टूडेंट आएंगे उनकी दशा और दिशा सुधारने में वी विल बी वी विल मैनेज एंड वी कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, and once again a huge congratulations, a heartiest congratulations to the entire team of Flyking Film Academy. Again, I'll say the same thing because today is the 26th January, Republic Day of India, and इससे बेहतर दिन इस academy के launch का कोई हो ही नहीं सकता था. So India's first production academy has been launched on this day. Now I will request media, we are open for Q&A round. For the Q&A, you can go ahead and ask your questions. Media? Haan ji. Kade? Are bite karenge bolo na. It's not. Tara tha wo to already bata chuke hain. Jaise film making mein ek camera department hota hai, sound department hota hai. Artist jisko creative ya direction department hota hai. प्रोडक्शन भी एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट है इन्होंने बहुत सही कहा कि और दिलीप जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ मतलब जब उनकी मूछें नहीं आएंगी तब से जानता हूँ आगे मूछ नहीं और जब भी वो हमारे ऑफिस आते हैं तो मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि आपके बैग में कितने प्रोडक्शन हाउस घूम रहे हैं सो वो गिन नहीं पाते 15-16 प्रोडक्शन हाउसेस का काम करते हैं एजेंसी करते हैं और वो भी करते हैं। सो ये जो फ्लाइकिंग फिल्म एकेडमी इन्होंने जो शुरुआत किया है मैं सिर्फ दिल से बधाई दूंगा दिलीप साहू और उनकी पूरी टीम को कि वो उभरते हुए सही रास्ता दिखाएं उनको प्रोडक्शन के बारे में सही जानकारी दें थियरी करेक्ट समझाएं प्रैक्टिकलिटी तो ऑब्वियसली आई मीन वो अपने जहां जहां काम होता है वहां पे अपने स्टूडेंट्स को जरूर भेजेंगे और अच्छी जानकारी देंगे तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा ताकि हमको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर सच वंडरफुल वर्ड्स। आल्सो वी हैव विद अस द कॉमेडियंस सर सबने बोला आप नहीं बोलेंगे तो मतलब मजा ही आएगा तो जो शाम का जो ये मजा है जो ह्यूमन हम शाम में ऐड कर सकते हैं वो रह जाएगा। सो वी विल नॉट मिस दिस चांस। अभी का ऑफ अप्लॉज फॉर सर। मैं आज के दिन के लिए सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि भारत माता की 26 जनवरी की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और इतने शुभ दिवस पर इस चीज की शुरुआत हो रही है हम सब ने इनॉग्रेशन किया है दिलीप जी को बहुत बधाई पत्नी जी की सारी टीम को बधाई भाभी जी को बधाई। दिलीप जी जो है वो बहुत यंग है जैसे कि विजय साहब ने कहा है और यंग लोग जो कर सकते हैं वो तो आपको पता ही है हमारे देश का भविष्य जो है यंग लोगों के हाथ में मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव मुझे होप नजर आ रहे हैं। प्रोडक्शन में सचमुच आजकल बहुत प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फिल्में बनाई होगी मेरी भी तीसरी फिल्म बन रही है बिग बॉस एक वीक पहनने वाली कहानी है और वो वीक क्यों पहन पाता है उसके बाद चले जाते हैं क्यों क्योंकि वो फिल्म बनाते वक्त उसको इतनी टेंशन हो जाती है। बिग बॉस फिल्म जो है आपकी मुलाकात भी जल्दी आ रही है बाकी सब आप आशीर्वाद रखिए और फ्लाइकिंग नाम भी बहुत अच्छा है फ्लाइकिंग किंग तो है वो बस उड़ने वाले हैं तो बहुत पॉजिटिव वेव्स आ रहे हैं मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा
स्पीड में क्योंकि फ्लाई चलने वाला आदमी धीरे धीरे पहुंचता है, दौड़ने वाला थोड़ा और जल्दी पहुंचता है, लेकिन फ्लाइकिंग तो भैया फ्लाई ऊपर सेकंड मोस्ट विद इन सेकंड पहुंचेगा। तो जब तक जिस चीज प्रोडक्शन में फ्लाइकिंग होगा उसका काम जो है और उसे जल्दी हो जाएगा। इसलिए किसी बंदे को अगर एक घंटा लगने वाला हो तो फ्लाइकिंग वाले एक सेकंड में कर देंगे। सो भक्तजनों फ्लाइकिंग की भावनाओं को समझो, लव यू ऑल, थैंक यू मच। Now, as we all know, we have with us the famous actress Mishti Chakraborty and Ma'am Kali, your film is doing well. And it is doing well. How many of you have watched Manikarnika? And I have loved the film. I have loved everything about the film, to the, from the direction, to the writing, to the production, and the performances. What energy you had during the performance. Because it's like that, when you're talking about your country and your country, I was jumping from my seat only. I want to do this, I want to kill that guy. I was doing that. So, how was the experience? And first of all, congratulations for performing so well. A big round of applause for her. You've acted tremendously well, and now today you are associated with the Flyking Academy. How does it feel? Good evening, ladies and gentlemen. सबसे पहले हैप्पी बर्थडे केक टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ अस, एंड ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू दिलीप सर टू कम अप विद दिस नोबल आइडिया। और जब मैं यहाँ पे आई और इन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया इस अकेडमी का कंसेप्ट क्या है, एंड आई एक्चुअली रियलाइज कि हमारे देश में इससे पहले कभी ऐसा कोई अकेडमी बना ही नहीं जो प्रोडक्शन के बारे में सोचे। एंड देन प्रोडक्शन इज डेफिनेटली एज एवरीबडी सेड इज द बैकबोन ऑफ फिल्म मेकिंग। और प्रोडक्शन में अक्सर प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से जो हमारे फिनांसर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, हमेशा उनको यही टेंशन लगा रहता है कि हमारे फिल्म का बजट ना बढ़ जाए, बजट बढ़ जाए, बजट बढ़ जाए, बजट बढ़ जाए। हर फिल्म का यही एक कंसर्न होता है, लाइक दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम द वेरी मोमेंट आई स्टेप इनटू दिस फिल्म इंडस्ट्री के ऑफिस में दिन भर यही बात चलता रहता है। तो ऑब्वियसली तो अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट होगा जो प्रोडक्शन को ढंग से सिखाए तो ऑब्वियसली ये टेंशन बहुत कम हो जाएगा और बेहतरीन फिल्में बनेंगी और कंट्रोल्ड बजट में बनेंगी। एंड आई थिंक आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड इवेंट एंड द लॉन्च ऑफ फ्लाइकिंग एकेडमी, कि इसके ज़रिए हमें ऑब्वियसली हमारी फिल्म इंडस्ट्री और आगे बढ़ेगी और विल कम अप विद बेटर प्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। जिसने मणिकर्णिका नहीं देखी है, from my personal point of view, please go watch it. It's a fantastic film. And there are people who are talking that the film doesn't have the right script. I think we all know who Rani Lakshmibai was, the warrior. So you should watch her, and you should watch her performance. She has performed beautifully. A big round of applause for her once again. And now, media, I would request you, because you guys are open for Q&A now, this is a Q&A round, this is not a personal mic round. So please go ahead and ask your questions.